हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको इस तरीके का स्टोर बैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, बना के मैंने रेडी कर लिया है। पहले मैं आपको ऊपर वाली पॉकेट बता दे रही हूँ, इसमें मैंने पॉकेट डाली है। और ये देखो, आपको खोल के भी दिखाऊँगी पूरा। इसमें आप बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हो। तो ये देखो, अब मैं इसका आपको नाप बता दे रही हूँ, मैंने कितने नाप का तैयार किया है। ये तो जो ऊपर वाला पीस है उसकी 14 इंची की लंबाई है, चौड़ाई की है 18 इंची की। जो स्टोर बैग की ऊंचाई है वो आपको मैं बता दे रही हूँ, 12 इंची की ऊंचाई है इसकी। अब पूरा हम ये साइड नाप लेंगे इसकी। तो ये देखो, यहाँ तक हमारा इसका आ रहा है। 43 इंची की इसकी साइड की लंबाई आई है। और पीछे वाला पीस मैंने अलग से लगाया था, उसकी भी मैं आपको लंबाई बता दे रही हूँ। 19 इंची की इसकी लंबाई थी, जो मैंने पिछली वीडियो में डाला था वो चौड़ाई में बनाया था, अब की मैंने आपको लंबाई में बताया है। और उसमें मैंने एक हैंडल का अटैच किया था, इसमें मैंने 2 तनी सेट की हैं। देखो इस तरीके से ये हमारा बैक का भी काम कर रहा है। तो ये देखो, नीचे की साइड भी मैंने आपको दिखा दी है, आप इसमें बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हो। अब देखो, मैं आपको सिलना बताऊंगी। इसमें मैंने फोम सीट का यूज़ किया है। ये ऊपर वाले 2 पीस लिए हैं मैंने और इसमें सिलाई लगा के मैंने तैयार कर लिया है पीसों को। अब इनकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता दूँगी कितना लिए है मैंने। तो एक पीस की मैं आपको पहले बता दूँगी। देखो, मैंने एक पीस ले लिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताऊँगी। इसकी चौड़ाई है 15 इंची की। तो ये देखो, चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब लंबाई का निशान बताऊंगी। तो लंबाई मैंने ली है इसकी 19 इंची की। तो 2 पीस हमने रेडी किए हैं, एक पीस को हम हटा देंगे यहाँ से। एक पीस में हम पहले कटिंग कर लेंगे। तो एक पीस को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये फोल्ड कर लिया है मैंने पीस को और खुली साइड से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर निशान लगा रही हूँ मैं 1.5 इंची का। यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई दे देंगे पीस में। तो गुलाई का निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें कटिंग करनी है इसकी। तो कटिंग मैंने कर ली है पीस की। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे हम चेन, इसमें पॉकेट डालने के लिए। तो 3 इंची पे निशान लगा रही हूँ मैं। इस निशान को बिल्कुल सीधा लगा देंगे हम। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इस तरीके से हमें पूरा एक निशान लगाना है। तो देखो, निशान मैंने पूरा आपको दिखा दिया है। अब इसकी हमने कटिंग कर दी है। तो कटिंग मैंने कर ली है, इसी के बराबर की हम चेन ले लेंगे। तो चेन को हमें इस तरीके से रखना है, यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है, अब हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ये टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरे वाले पीस को भी हम सेम तरीके से अटैच कर देंगे इसमें। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है और टॉप सिलाई भी लगा दी है इसमें मैंने। तो मैंने बाजार वाली इसमें तनी अटैच करूँगी, तो मैंने ले ली है। इनकी आपको मैं लंबाई बता दे रही हूँ कितनी ली है मैंने। इनकी लंबाई है, पूरा इंची टेप है 60 इंची का, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। तो ये देखो, यहाँ पर मैं बता दूँगी आपको किस तरीके से अटैच करनी है ये। अब इनकी दूरी बता दूँगी मैंने कितनी दूरी पर लगाई है। तो ये देखो, 5 इंची की दूरी पे मैंने ये तनी का अटैच करूँगी। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है दोनों साइड पे, इसी तरीके से निशान लगा लूँगी। और जो हमें सिलाई लगानी है ऊपर की साइड, हमें यहाँ तक लगानी है। निशान मैंने लगा दिया है, यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये देखो, हमें क्या करना है इसमें। दूसरे वाले पीस को भी मैं सेम तरीके से अटैच कर लूँगी। इसमें लॉक डाल लिया है मैंने। अब देखो, ये दूसरा वाला पीस भी मैंने तैयार कर लिया है, इसमें भी तनी अटैच कर ली है मैंने। अब इसमें हम लगाएंगे पॉकेट के लिए कपड़ा। तो मैंने कपड़ा ले लिया है, इस तरीके से हमें रखना है कपड़े को। अब चारों ओर से हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखो, मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा दे रही हूँ मैं इस पर। तो ये पॉकेट के लिए हमारा कपड़ा अटैच हो चुका है, जो एक्स्ट्रा है उसकी अब हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग मैंने कर लिया है,
अब देखो ऊपर वाले पीस पे हम चेन अटैच करेंगे पहले। तो मैंने चेन ले ली है और ये हमें इस तरीके से गुलाई में ही चेन लगानी है इसमें। तो ये देखो चेन हमारी लग चुकी है। अब इस पर हम टॉप सिलाई लगाएंगे तो जो गुलाई है वहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो कट मैंने लगा लिए हैं, अब इस पर मैं टॉप सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखो टॉप सिलाई मैं लगा रही हूँ। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो इसकी साइड थी वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये साइड तैयार की है मैंने इसकी। ये दो पीस हैं हमारे साइड के, इनकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता दूँगी। तो इसकी 13 इंची की चौड़ाई है और लंबाई इसकी 20 इंची है छोटे वाले पीस की। अब मैं आपको बड़े वाले पीस की भी लंबाई चौड़ाई बता रही हूँ। 13 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो ये देखो इसकी लंबाई है 47 इंची की। तो मैंने आपको लंबाई चौड़ाई तो बता दी है, अब अटैच कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो हमें पहले छोटा वाला पीस लेना है। ये दोनों मैंने साइड के पीस ले लिए हैं और मैंने ये देखो पॉकेट वाला पीस लिया है मैंने। पहले इसमें हम लॉक डाल लेंगे। तो लॉक मैंने डाल लिए हैं। अब इसको हमें इस तरीके से अटैच करना है। ये देखो दोनों साइड पे मैंने थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ा है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें ऊपर की साइड से टॉप सिलाई लगा देनी है। तो ये देखो एक साइड मैंने तैयार कर ली है, टॉप सिलाई भी लगा ली है। दूसरे वाले पीस को भी मैं सेम तरीके से अटैच कर लूँगी। अब ये देखो मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई मैंने लगा ली है, अब टॉप सिलाई लगाऊंगी। ये देखो दोनों पीस हमारे इसमें अटैच हो गए हैं। अब इस पर के ऊपर से भी हम टॉप सिलाई लगा देंगे। टॉप सिलाई लगाने से इसे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं टॉप सिलाई आपको बताती हूँ। अब देखो जो हमने बड़ी वाली साइड तैयार की थी उसको अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पीस को लेना है बड़े वाली साइड को और यहाँ पे हमें अटैच कर देनी है, सिलाई लगानी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है और टॉप सिलाई भी मैंने इसमें लगा दी है। अब ये देखो आपको इस तरीके से सिलना है इसको, ये कॉर्नर पकड़ना है। ये देखो कॉर्नर मैंने पकड़ लिया है यहाँ से और यहाँ पे अब हमें सिलाई लगानी है। ये मैं पूरे पीस पे आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखो कितनी आसानी से सिलाई आप ऐसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब जिस साइड अगर हमारी बड़ी बैठेगी तो हम उसकी देखो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको कटिंग करनी है और एक्स्ट्रा जो पीस है हमारा वो निकल आएगा। अब ये देखो इस तरीके से आपको नापनी है, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगी। तो मेरी 2 इंची की एक्स्ट्रा है, उस पर पहले मैं सिलाई लगा लूँगी पीस पे। तो मैंने पीस पे देखो सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं जो एक्स्ट्रा है उसकी मैं कटिंग करूँगी। तो ये देखो जो एक्स्ट्रा थी मैंने उसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे अभी हमारा थोड़ा सा पीस खुला रह गया है, उसको हम पहले सिलाई लगा देंगे पूरे पीस पे। तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब नीचे की साइड तो हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखो मैं पूरे पे आपको दिखा रही हूँ सिलाई। नीचे की साइड हमने लगा ली है, अब लगाएंगे ऊपर वाली साइड पे जो चेन वाला हिस्सा है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको सिलाई लगाना कैसे लगानी है। यहाँ पे देखो इस तरीके से हमें पकड़ना है। चेन वाले हिस्से को मैंने ऊपर की साइड रखा है। तो ये देखो मैं सिलाई लगा रही हूँ पूरे घेरे पे। तो सिलाई हमारी लग चुकी है, देखो पूरे घेरे पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमें टॉप सिलाई लगानी है।
तो ये देखो मैंने स्टोर बैग को खोला है। पहले खोल के हमें इस पर टॉप सिलाई लगानी है। ये देखो इस तरीके से हमें पीस को कर लेना है। अब सिलाई लगा देनी है पूरे पे। तो ये देखो टॉप सिलाई हमने लगा ली है। अब ये हमारा रेडी हो चुका है स्टोर बैग। अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये मैं सीधा कर रही हूँ। बहुत जल्दी बन के देखो रेडी भी हो चुका है। कितनी अच्छी गहराई है इसकी। आप बहुत सारे कपड़े इसमें स्टोर करके रख सकते हो। तो ये देखो कितना अच्छा बना है हमारा स्टोर बैग। आप इस तरीके से बना के देखना और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। और देखो मैं ऊपर वाली आपको पॉकेट भी दिखा दे रही हूँ। इसमें आप कुछ छोटा मोटा अपना सामान रख सकते हो। तो ये देखो पीछे की साइड भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। नीचे से भी आपको ये पूरा स्टोर बैग दिखा रही हूँ। पूरा ये मैंने आपको दिखा दिया है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें।